जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं अमरण अनशन भी करेंगे और उसके साथ साथ मेडल प्रवाहित करेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई और एक आज मेरे दिल में दर्द है। ये बात खिलाड़ियों की तरफ से आई है। मैं अपील करना चाहता हूं हमारे देश के खिलाड़ियों से, हमारी बेटियों से, कि वो इस पर पूर्ण विचार करें। ये मेडल किसी की मेहरबानी से उनको नहीं मिले। कोई सांसद ब्रिजभूषण भाजपा, उनके अखाड़ों की मिट्टी की सुगंध है, उनकी उनके पसीने की खुशबू है, उनके परिवार का त्याग की तस्वीर ये मेडल्स हैं, ये देश के गौरव ये मेडल्स हैं। ये हमारी देश की बेटियां, हमारे खिलाड़ी इस पर पूर्ण विचार करें। आमरण अनशन का देशवासी, आज हमारी बेटियों के हम साथ हैं। हम जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, हम उनका साथ देंगे। हम इस लड़ाई में पूरा देश उनका साथ देगा। और ये सरकार जो बहरी सरकार, एक असंवेदनशील सरकार, उस सरकार को हम चेताना चाहते हैं। ये वही देश है जिस देश में एक नारी के अपमान के बाद महाभारत जैसे युद्ध को जो है देश ने देखा था। ये देशवासियों के सब्र की परीक्षा ना ले सरकार। सरकार राजधर्म निभाए और हमारी बेटियों को न्याय दिलवाए। सरकार को भी मैं चेताना चाहता हूँ। ये हमारी देश की बेटियों की इज्जत को बांटा नहीं जा सकता। ये देश वो देश है जहाँ पे अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी स्वयं की बहन बेटी माना जाता है। बेटी की इज्जत को सर्वोपरि माना जाता है। देश की किसी भी बेटी की इज्जत किसी धर्म, किसी जाति, किसी भाषा, किसी प्रदेश, किसी राजनीति की दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। हर बेटी की इज्जत पूरे देश की इज्जत है और हर बेटी को न्याय दिलाना राजधर्म की परिभाषा है। और सरकार राजधर्म निभाए, ये सरकार से मैं कहना चाहता हूँ।